नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मैथ टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो अपना संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट वीडियो के अंदर पूछे क्वेश्चन ड्यू रह गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आधारित, जो कहां से आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जो 2019 के अंदर आया था वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था और अच्छे से समझाया था। इस टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। ये वाला क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, इस चीज को ध्यान रखें। और रही बात चैप्टर नंबर 9 से है, ऊंचाई व दूरी, सॉरी त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति वाले कॉन्सेप्ट से है। और त्रिकोणमिति में भी हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी वाला कॉन्सेप्ट है, ऊंचाई व दूरी। तो समझिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। एक बार वापस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में बोला हुआ एक मीनार के आधार से, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना है जिस प्रकार अभी मैंने पढ़ा। आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है और उसका डायग्राम निशान में बनाते रहना है। जैसे आपको बोला कि एक मीनार, ये आपके हो गई एक मीनार। मीनार है इसका मतलब ये जमीन के साथ जुड़ी हुई होगी, बिना समतल के मीनार नहीं हो सकती। इस मीनार के आधार से 9 मीटर, यानी मीनार का आधार ये रहा, इस मीनार के आधार से 9 मीटर, यानी यहां से यहां तक मैं चलूं तो ये वाली डिस्टेंस है 9 मीटर तथा 25 मीटर। फिर कहा कि नहीं, यहां से और आगे चलिए, शुरुआत यहीं से करनी है। चलो यहां तक पहुंच गए, ये वाली दूरी बोल रहा है 25 मीटर है। अच्छे से समझ लीजिए, ये मीनार, मीनार के आधार से 9 मीटर और उसी मीनार के आधार से 25 मीटर। यहां पर ये बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी, ये सी और ये डी में है, यानी ये वाली दूरी 9 है और ये वाली पूरी दूरी कितनी है 25 मीटर। दूरी पर एक ही रेखा पर, ये एक ही रेखा पर दो बिंदु मैंने स्थित कर दिए दोनों। इन दोनों बिंदुओं से देखने पर मीनार के, यानी यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखना, एक तो होता है उन्नयन और एक होता है अवनमन, जो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर और अवनमन ऊपर से नीचे, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलो ठीक है, उन्नयन कोण मतलब दोनों स्थितियों में नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा, लेकिन जो उन्नयन कोण है ना वो परस्पर एक दूसरे के पूरक है। अब ये वर्ड भी तो इंपॉर्टेंट है, पूरक का मतलब क्या होता है, जब दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक, और अगर दिए गए दो कोणों का योग 180 हो तो वो होते हैं समपूरक। जैसे अगर मैं कहूं कि दो कोण जो परस्पर पूरक हैं, दो कोण परस्पर क्या है, पूरक हैं, उसमें से एक कोण आपके थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि पूरक कोण कब होते हैं, जब दोनों का योग कितना होता है 90। थीटा से थीटा कटना भी चाहिए, बराबर में 90 आ रहा है, इसका मतलब एक थीटा लू तो दूसरा 90 माइनस थीटा लूंगा। तो देखिए ये वाला कोण थीटा है और ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, सिंपल सा बोला क्वेश्चन। तो गिवन दिया गया क्या है, दिया गया है मीनार के आधार से, मीनार के आधार से दूर, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदु, दो बिंदु जैसे डायग्राम को ही देते हैं अपन, बीसी 9 मीटर है और सीए 25 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस 9 मीटर और ये वाली डिस्टेंस 25 मीटर तथा दोनों बिंदुओं से देखने पर, दोनों बिंदुओं से
मीनार के शिखर को देखने पर बनने वाले कौन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अतः पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। देखें अब करना क्या है, ये आपको समझाने के लिए मैं रख रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करूंगा, ये फर्स्ट वाला, और फिर मैं पूरे बार वाले त्रिभुज की बात करूंगा। पहले बात करेंगे बीसीडी की और उसके बाद एसीडी पूरे की बात। तो देखिए यहां पर त्रिभुज ले रहा हूं बीसीडी, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री। ये कोण सी इसका क्या है, 90 डिग्री। अपन को ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। अगर यहां लिख दें ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की हाइट कितनी है, ये चीज अपन को ज्ञात करनी। ये वाला एक्स मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। थीटा की वैल्यू थीटा ही है, इस चीज को ध्यान रखें। लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 9। समीकरण नंबर एक सिंपल सा। पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का है और 2018 बोर्ड पेपर में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के और भी चांस है, तो ये मैं पूरा जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उससे आपको 3 मार्क्स कंप्लीटली मिल सके, इसलिए मैं कंप्लीटली समझा रहा हूँ। अब त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ए सी डी बी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो जिसका कोण, इसमें भी कोण सी बराबर कितना है, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी पूरा आधार होगा और सी डी क्या होगा, लंब होगा, तो इसमें टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है एक्स, आधार कितना है 25, लेकिन थीटा का मान क्या है 90 माइनस थीटा, एक्स बट्टा 25। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अपन को पता है टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, तो टेन इस पूरे की जगह मैं रख रहा हूँ कोट थीटा बराबर में एक्स बटा 25, और ये मेरा समीकरण नंबर 2। अब जब आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हो यानी ऊंचाई, तो इस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों को आपस में गुणा कर देते, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का गुणा कर लेते हैं और बराबर में राइट हैंड साइड x बटा 9 और इधर x बटा 25, तो x बटा 9 का गुणा x बटा 25 से करते हैं। tan इनटू कोट होता है 1, x इनटू x x स्क्वायर, इसे 9 इनटू 25 ही रहने दें। वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 9 इनटू 25, स्क्वायर हटेगा तो रूट आता है, तो x बराबर 9 किसका, 3 का, और 25 किसका, 5 का। तो x जो अपन ने मीनार की ऊंचाई जो अपन को ज्ञात करनी थी वो कितनी आ गई है, 15 मीटर, क्योंकि सारी इकाइयां किसमें है, मीटर में। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आ रखा है, तो उसको भी समझते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बेसिक मतलब सिंपल वे में सॉल्व करना है, कैसे, इसको इससे कनेक्ट तो किया है लेकिन अपन इसको एक और चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ज्यामिति से। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष की छाया की लंबाई 1 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समतल जमीन है, उसके ऊपर 1.5 मीटर लंबा एक पेड़ है और इस पेड़ की छाया है जो 1 मीटर बन रही है, सिंपल सा है। अब आगे क्या बोला वो समझिए, तथा उसी समय एक मीनार की छाया 5 मीटर है। अब यहां तक पढ़ने के बाद एक चीज में क्लियर कर दूं कि अगर एक ही समय पर
एक ही समय पर कोई भी वस्तु, चाहे कितनी भी वस्तुएं हो, उन सभी वस्तुओं की जो छायाएं या उनकी जो लंबाइयां होगी, उनके बीच का जो अनुपात होगा वो फिक्स होता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे ये एक खंभा है बड़ा सा और ये एक वृक्ष है, 12 बजे की अगर बात करो या 1 बजे की बात कर लो, दोपहर 1 बजे, इसकी जो छाया बनेगी ये छाया इसकी, और इसकी जो छाया बनेगी ये वाली छाया और ये वाली छाया एक फिक्स अनुपात में होगी हर कंडीशन में, और वो अनुपात इनके लिए भी सेम होगा क्योंकि समय एक ही है। इस चीज को ध्यान रखें। आप चाहें तो प्रयोग करके भी देख सकते हैं, जैसे दो बराबर खंभे उनको एक साथ खड़ा कर दीजिए और समान, जैसे 1 बजे का टाइम हो रहा है और वो दोनों खंभे जो इक्वल है वो खड़े हैं, अगर मैं उन दोनों की छाया देखूं तो आप क्या कहोगे? छाया बराबर है, इसका मतलब उनके बीच का जो अनुपात है वो फिक्स हुआ ना, 1:1। यही चीज यहाँ, चाहे वो आकृति बड़ी छोटी हो लेकिन अनुपात उनका फिक्स होता है, यानी भुजाओं के बीच में जो अनुपात बने। तो सिंपल सा है, आपको जो चीज गिवन है उससे आप डायग्राम बना ले। समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष, ये 1.5 मीटर लंबा वृक्ष है, इसकी छाया कितनी बनी? ये 1 मीटर। तो स्थिति तो 90 डिग्री के एंगल वाली हो गई है, समकोण त्रिभुज की स्थिति हो गई एबीसी। ऐसे कैसे? आपको बोला है मीनार की छाया, ये मीनार होगी तो मीनार की छाया होगी, ये मीनार मानी मैंने, ये है मेरा वृक्ष और ये है मीनार, तो मीनार है तो ही छाया है, तो ये है मीनार की छाया और छाया की लंबाई 5 मीटर दे रखी है, और ये क्या है, मीनार की लंबाई मैंने क्या मान ली, एक्स। तो गिवन क्या है, प्रश्न अनुसार यहां पे लिख सकते हैं आप, प्रश्न अनुसार समतल जमीन पर खड़े पेड़ की लंबाई बराबर 1.5 मीटर व छाया 1 मीटर तथा इसी प्रकार उसी समय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर समय चेंज तो अनुपात फिक्स नहीं, उसी समय मीनार की छाया बराबर 5 मीटर, तो मीनार की लंबाई को मैं क्या ले लूं, मीनार की लंबाई मैंने ली है एक्स, ये ले लिया आपके डी ई और एफ। तो सिंपल सा क्या बनेगा, ये बीसी है, ये बीसी किसके साथ अनुपात बनाएगा, इस एफ ई के साथ, और ये एबी है वो किसके साथ अनुपात बनाएगा, डी ई के साथ। दोनों त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डी ई एफ दोनों से मैंने ये निकाला है, डी ई एफ से। तो बीसी का मान कितना है, 1.5, ई एफ का मान एक्स है बराबर, एबी का मान कितना है 1 और डी ई का मान कितना है 5। वजन गुणा कर ले, एक्स बराबर 1.5 × 5, तो 15 × 5 करेंगे तो 1.5 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7.5, और यहाँ पे इकाई क्या हो जाएगी, मीटर। आप अगर इसे और इजीली में समझना चाहो तो देखो, 1.5 थी ना जब पेड़ की ऊंचाई, उस समय छाया कितनी हो गई, 1 मीटर, यानी 1.5 पे 0.5 घट रहा है, यहां पर ये लंबाई कितनी आ रही है, 7.5 आ रही है, जब 1.5 हो तो 0.5 घट जाती है, तो 7.5 होगा तो 2.5 घट जाएगा ना इस कंडीशन में, क्योंकि डेड के ऊपर 0.5 माइनस। तो ऐसे अगर 7.5 के 1.5 और 1.5 चला 5 टुकड़े कर दूं, इसके ऊपर कितना घटता है, 0.5, इसके ऊपर भी 0.5, इसके ऊपर भी 0.5, सबके ऊपर 0.5 घट गया, ये 1, ये 2 और ये 2.5 घट गया, तो 7.5 में से 2.5 घटेगा तो छाया कितनी रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी। तो बिल्कुल आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है
और थोड़ा सा जटिल भी है क्योंकि ज्यामिति वाला जो टॉपिक होता है वो जब अपन बुक पढ़ते हैं उस समय थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि पहले इससे संबंधित चीजें अपन कम ही पढ़ते हैं, लेकिन अब अपना फोकस ओनली फॉर है क्वेश्चन बोर्ड भी कैसा आता है तो उसी के बेस पे अपन चलते हैं। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जैसे क्वेश्चन आ रखा है 2019 के अंदर और आया कहां से है, अध्याय 11 से, जो त्रिभुज वाला चैप्टर है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुज समरूपता और सर्वांग क्षमता भी आपको पता होनी चाहिए, यानी दो ऐसी आकृतियां जिनके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं आपस में समान हो, सर्वांग क्षमता काम करेगी। और समरूपता की बात करो तो एक अनुपात में होता है ये सारा काम। तो देखें, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो, यानी इसने बोला है कि जो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफल आपस में समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। ये चीज आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले जो हर बार मैं कहता हूं कि दिया गया क्या है वो लिख दीजिए। तो दिया गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान, यहाँ पे मैं त्रिभुज बना देता हूँ, जैसे ये त्रिभुज है आपका ए बी सी और एक और त्रिभुज डी ई और एफ। आपको बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है, या अपन इसे ये समरूप है, समरूपता का चिन्ह यही होता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोनों के आपस में बराबर है और समरूप भी है, तो आपको क्या, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगक्षम है त्रिभुज डीईएफ। मेरे को एक चीज मालूम है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। सिद्ध करना दिया गया, उत्पत्ति में क्या लिखूंगा वो देखेगा। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ समान कोणिक त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर क्या चीज स्पष्ट हो रही है, समान कोणिक तो त्रिभुज है ही है क्योंकि समरूप है इसके, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होगा बीसी और ईएफ, यानी बीसी स्क्वायर बट्टा ईएफ स्क्वायर। ये चीज कहां से लेके आए अपन, क्योंकि अपन ने ज्यामिति में इसका परमेय पढ़ रखा है, परमेय यहां लिख देता हूं। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये तो चलो लिख लिया, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन दोनों के क्षेत्रफल समान है, ये और ये दोनों आपस में क्षेत्रफल में क्या है, इक्वल है। इसे समीकरण एक नाम दे दीजिए और ये समीकरण दो। तो समीकरण एक से क्या मिल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा, समीकरण एक को दो में रखते हैं, कंफ्यूज नहीं रहे। त्रिभुज एबीसी दोनों जगह मैंने डीईएफ को हटा के भी एबीसी कर दिया, क्योंकि डीईएफ भी किसके बराबर है, एबीसी के, तो ये वाला मान यहां रख दिया और बराबर में क्या है, बीसी स्क्वायर बट्टा ईएफ स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक बराबर हो गया बीसी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, वजन गुणा करो तो ई एफ स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो ई एफ बराबर किसके हुआ, बीसी के।
कहने का मतलब भुजा बराबर आ गई है और अपन को क्या चाहिए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है। मैंने शुरुआत में क्या दिया कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणीय त्रिभुज है इस समरूपता के आधार पे, तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ से क्या चीज स्पष्ट हो रही है कि कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के, और बीसी भुजा ईएफ के जो अपन ने अभी सिद्ध किया है, और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। तो यहां से ये तो हो गया समान कोणीय त्रिभुज, समान कोणीय त्रिभुज से ये अपन ने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध किया अभी, और ये वापस समान कोणीय त्रिभुज की स्थिति जो अपन ने शुरुआत में ली। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि ये वाला कोण ये भुजा और ये कोण, यानी ये कोण ये भुजा और ये कोण, तो कोण भुजा और कोण सर्वांग क्षमता से, कोण भुजा और कोण सर्वांग क्षमता से त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगक्षम सिद्ध हो गया, त्रिभुज डीईएफ। यही चीज अपन को सिद्ध करनी थी, तो बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते। तो अब अपन और दो बेहतरीन ज्यामिति वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा आ रखा है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक नॉर्मली क्वेश्चन आएगा। मैंने दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, जो 2018 मेन एग्जाम और 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों के अंदर आए हुए क्वेश्चन। दी गई आकृति में यदि ओपी इंटू ओक्यू बराबर ओआर इंटू ओएस, तो दर्शाइए कि कोण ओपीएस, कोण ओपीएस यानी ये वाला कोण ओआरक्यू यानी इसके बराबर होना चाहिए, और ओक्यूआर ये वाला कोण ओएसपी के बराबर होना चाहिए। सिंपल सा। तो करना क्या है सॉल्यूशन में, मैंने आपको हर बार में एक चीज बोलता हूं कि जो चीज गिवन है दिया गया है उसे आप लिखें। क्या दिया गया है, ओपी डॉट ओक्यू बराबर ओआर डॉट ओएस। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये ओपी है, ये वाली ओपी भुजा, ओक्यू ये वाली भुजा, इसके ऊपर डबल लेंस कर रहा हूं और इसके ऊपर सिंगल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसको इसके बट्टे में ले रहा हूं और इसको इसके बट्टे में ले रहा हूं, यानी ओपी ओपी के बट्टे में ओ आर लेके आ रहा हूं, ये गुणे वाली चीज इधर आ जाएगी, तो ओपी के बट्टे में ओ आर, और ये ओ एस है तो ओ एस के बट्टे में ओके। अब ये चीज आपको दी गई है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दर्शाना क्या है, कहने का मतलब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोण ओपीएस बराबर कोण ओआरक्यू, और फर्स्ट चीज ये, और सेकंड आपको सिद्ध करनी है कोण ओक्यूआर बराबर कोण ओएसपी। ये दो चीजें आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर जो मेरे सामने ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कौन से दो त्रिभुज, उत्पत्ति को देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज POS, त्रिभुज POS व त्रिभुज ROQ, मेरे को दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करता हूं, ऑलरेडी कंपेयर हो रखा है, एक तो ये चीज गिवन है कि OP बटा OR बराबर OS बटा OQ, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के साथ समान अनुपात में है, और इन दोनों का समान अनुपात आपस में बराबर है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये, यानी दो दो भुजाएं एक दूसरे से कनेक्टेड, और ये वाला कोण कौन सा कोण POS बराबर कोण ROQ, इसे अपन कहेंगे सम्मुख कोण, जो आमने सामने वाला कोण होता है वो बराबर है। तो दो भुजाएं और एक कोण, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता, ध्यान दें यहां पे समरूपता से सर्वांग क्षमता नहीं लगा रहा हूं, समरूपता लगा रहा हूं, और समरूपता से क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, वो भी कौन से संगत कोण। समरूपता से त्रिभुज POS व त्रिभुज ROQ के संगत कोण क्या हो जाएंगे, समान होंगे, तो संगत कोण समान होंगे। तो देखें कैसे, कोण
OPS बराबर ORQ, क्योंकि OPS यानी इसके संगत ये वाला कौन हो गया और इसके संगत ये वाला कौन हो गया, कौन सा OQR के संगत OSP। तो ये दो चीजें सिद्ध कर दी थी, फर्स्ट और सेकंड सिद्ध हो गई। यही चीज आपको क्वेश्चन में पूछी गई है कि इसे अच्छे से सिद्ध कीजिए, तो बिल्कुल इजी वे में आप समरूपता वाले कॉन्सेप्ट से भी इसे सिद्ध कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आ रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दी गई आकृति, आकृति आपके पास गिवन है, इस आकृति में क्यू ए तथा पीबी, ये क्यू ए, ये वाली भुजा क्यू ए है और ये पीबी है, किसके ऊपर लंब है, इस पूरे ए बी के ऊपर, यानी ये 90 ये भी 90। यदि ए बी बराबर, यानी ये पूरी भुजा कितनी है 16 सेंटीमीटर, ए बी 16 सेंटीमीटर, ओ क्यू 5√13, यहां पे बीच में ओ है, इस चीज को भी ध्यान रखें, ये ओ क्यू कितनी है 5√13 है, और ओपी कितनी है, तो ओपी है 3√13। तो ए ओ और बी ओ के मान ज्ञात कीजिए, यानी एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू बतानी है, जबकि अगर पूरी बात करो तो पूरी 16 है। तो दिया गया क्या है, दिया गया है आकृति में, आकृति में QA तथा या डायरेक्टली लिखते हैं QA लंब है किसके ऊपर, AB, व PB किसके ऊपर लंब है, AB है लंब है। उसके बाद आपको बोला है AB जो पूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, व OQ कितनी है, तो OQ है 5√13, व OP कितनी है, तो 3√13। अब समझिएगा, पहले एक चीज समझनी है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं? बिल्कुल है, क्योंकि ये अगर मैं उत्पत्ति के बेस पे लेके चलूं, यहां पर मेरे को ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, पहले वो भी साथ में लिख देते हैं, ज्ञात करना है कि AO बराबर कितना होगा और BO बराबर कितना होगा, दो मान निकाल रहे हैं, समझे अच्छे से, AO और BO के मान ज्ञात करने हैं। इस AO और BO को आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जैसे ये पूरी है 16, इसमें से अगर मैं इसको x मानूं तो ये 16 माइनस x हो जाएगी, कहने का मतलब अगर इसे x मानूं तो उधर वाली 16 माइनस x हो जाएगी, तो मैं AO को x मान रहा हूं तो BO हो जाएगी 16 माइनस x, x की वैल्यू आते ही अपना आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज लेते हैं QAO, QAO व त्रिभुज PBO, PBO से इन दोनों त्रिभुजों में देखें ये कोण A और वो कोण B 90 डिग्री के कोण हैं। उसके बाद ये वाला जो AOQ, कोण AOQ BOP के क्या है, बराबर है BOP, यानी ये सम्मुख कोण है, तो कोण कोण यानी एंगल एंगल समरूपता यहां काम कर रही है, से त्रिभुज कौन से QAO, QAO किसके समरूप है, त्रिभुज PBO। और मेरे को पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है, ध्यान रखें इस चीज का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो AO है ना, इस AO का OP के साथ अनुपात और इस OQ का इसके साथ OP के साथ अनुपात बनेगा। AO कितनी है x, OP कितनी है 16 - x, OQ का मान कितना है, तो OQ का मान है 5√13 और OP का मान कितना है 3√13, √3 से √13 कैंसिल हो गया, वजन गुणा करता हूं, 3 का x 3x, 5 का गुणा 16 - x 80 - 5x, 5 को इधर भेजिए तो इधर 8x हो जाएगा बराबर में 80, ये कैंसिल हुआ तो x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया है 80। और आपको क्या पूछा था, AB का मान, तो आपने सॉरी आपको पूछा था AO और OB का मान, तो AO बराबर अपन ने क्या ली थी x, और x का मान कितना आ गया, सॉरी 8 से 80 10 बार करता है, AO का मान कितना हो गया 10,
और बीओ का मान कितना हो गया 16 माइनस 10 यानी 6 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी वे में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और जिस प्रकार आप अभी तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।